आदम नाजरीन दूरदर्शन यादगरी चैनल के इस खसूस प्रोग्राम आदाब हैदराबाद में हम आप सभी का इस्ताल करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हैदराबाद में बनाई जाने वाली फिल्मों में मुख्तलफ़ अदाकारों ने अपने फ़न के ज़रिए अपनी एक अलग शिनाख्त बनाई उन्हीं में हैदराबाद के एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैदराबाद नवाफ फिल्म के जरिए इन्होंने लेंथी डायलॉग अदा करके एक अलग शिनाख्त बनाई और ये शायक के पसंदा एक्टर है मेरी मुराद हैदराबाद के जाने पहचाने और सभी के पसंदा एक्टर अकबर बिन तवर साहब से अकबर बिन तवर साहब आपका हम इस प्रोग्राम में पुरजोश इस्तबाल करते हैं अस्सलाम वालेकुम नाजरीन को आपके सलाम करना चाहूँगा जी और पहली बात मैं शुक्रगुजार हूँ आपने दूरदर्शन हैदराबाद का जी और मैं आपके साथ बैठा हूँ इस वक्त हम आगे की कार्रवाई चालू करेंगे <laughs> और बहुत सारे लोग मेरे को कॉमेडी के ज़रिए से जानते हैं तो मैं थोड़ा हल्लुल्लू गर्म होता हूँ <laughs> इंजन जैसा गर्म होता ना वैसा हल्लुल्लू गर्म होकर आगे निकलता हूँ चलिए अकबर बिन तबर साहब जी आपके जो करियर की शुरुआत हुई वो कैसे बताइए देखिए एक्चुअली मेरी करियर की शुरुआत ये है कि मैं शुरू से ही कॉमेडी करता था जी और मेरे को एक जुनून था एक शौक था कि मैं फिल्मों में काम करूँ तो वो टाइम में हम जब जैसे कि टॉकिंग अबाउट फोर में ये स्टार्ट हुआ जैसे अच्छा। कि अंग्रेज हैदराबाद नवाब तो सिक्स में हुई फोर में स्टार्ट फो, हो गई शूटिंग जी तो हमको तो आइडिया नहीं था अरे मूवियाँ बन रही हैं ऐसा तो मेरे दोस्त थे अजीज ना अच्छा जो आ, एक्टर भी है डायरेक्टर भी है राइटर भी है तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने अंग्रेज में करो बोले थे मेरे को काम अच्छा तो जब अंग्रेज में करो बोले तो मैं ऑलरेडी पहले से कॉमेडी करना बचपन से जो फंक्शनों में जाना करना मिमिक्री करना वो सब था मेरे में मगर एक हर एक को एक सिग्नल मिलना तो मेरे को मिल गया था अगर मैं खास ये बात बताना चाह रहा हूँ नाजरीन को कि मेरे को सिग्नल मिलने के बाद भी मैं ठुकराया वो काम को अच्छा इसलिए ठुकराया कि मेरे घर पे इजाजत नहीं थी अच्छा तो मैं जब जाके हमारे वाली साहब को पूछा मेरे डैडी को पूछा ऐसा मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ बोले तो जूते मार के निकाल दूंगा बोले बाहर <laughs> सीधा जूते मार के बाहर निकाल दूंगा बोले तो वो एज में कहाँ जाना हम सवाल ही नहीं है घरे चलेंगे ना सा हाँ। डर गया हम अरे जाना वो बोल के खामो में बढ़ गया अंग्रेज रिलीज हो गई सुपर डुपर हिट वो पूरी पब्लिक पूरे इंडिया में पूरा धूम धूम अंग्रेज देखा पिक्चर आई बोल के उसके बाद मेरी मुलाकात फिर अजीज नासर से भी अच्छा अरे क्या तुम देखे हर हो तुमको बोला मैं करो बोल के देखे पिक्चर हमारी कैसी हिट हो गई मैं बोला अरे भाई बहुत हो गई पिक्चर मैं बोला आप घर में जो होता देख लेंगे हकाल दिया तक फुर्सत बन के मैंने क्या करा <laughs> हैदराबाद है नवाब टू में मैं ज्वाइन हुआ मामा से मुलाकात हुई मेरी आर के जो प्रोड्यूसर है उनको रामाकृष्णा नाम है उनका उनको फिल्मों के जरिए मामा के नाम से उन्होंने जाने जाते हैं तो मेरा उनका इंट्रोडेशन हुआ जानी भाई तो वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ तो जब मैं फर्स्ट टाइम मामा के पास गया देखिए कोई भी प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो वो सिर्फ पहले टैलेंट देखते बाद में आपका बैकग्राउंड आप कहाँ से है किधर से है वो तमाम चीज़ें सब हो जाती मगर स्टार्टिंग आपका टैलेंट देखा जाता क्या आप में क्या है क्वालिटी क्या है आप वो बताना है तो वो प्रूफ करना था तो मेरे को अजीज़ नाथ ऑलरेडी अजीज़ नाथ को मालूम था कि मैं क्योंकि मेरी जो मुलाकात अजीज़ ना से हुई थी वो स्टेज के ज़रिए हुई थी तो मामा के सामने मैं डायलॉग बोला जी बहुत मेरा एक जो बहुत मशहूर डायलॉग हुआ लोग उसके क्वालिटूम रखते थे तो मामा को मैं डायलॉग बुलाऊ वो डायलॉग बोलते मामा वहाँ पर बोले नहीं ये कैरेक्टर मेरे को होना ही होना है हम ये हैदराबाद नवाब में इनको पहला मौका देंगे अच्छा तो आर के मामा मेरे को अजीज न सिर पहला मौका दिया वहाँ मैं फाड़ डाला अरे क्या डला और वो एक ही डायलॉग मेरा पूरी पिक्चर पे भारी होगा वाह हर कोई हर कोई मेरा डायलॉग बस अकबर बिन तबर खुदा ले खबर छः जख्मी पाँच मर्डर फिर भी यार खां दूरदर्शन पे इधर नहीं अकबर बिन तवर साहब जिससे आपकी पहचान बनी उस डायलॉग को हमारे नाजरन के लिए ज़रूर सुनाएं अब देखिए हर टाइम तो सुनाते जा रहा हूँ बहुत लंबा डायलॉग है नहीं नहीं बिल्कुल आप कुछ तो, भी करिए क्योंकि आपकी पहचान है उस डायलॉग के जरिए मैं जरूर जरूर हमारे नाजरन को जरूर बताना चाहूँगा और मैं जरूर बहुत जगह बोला हूँ डायलॉग तो यहाँ भी बोलूँगा तो मेरा ये डायलॉग था खून ख़राब है खानदान से हूँ सर फिर जम्बे का दामाद हूँ सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक खाली मेरे को खून ही ना घर में सौ कतल करके गए तो अम्मा खाने को देते बाबा खाली रात तमाम तलवारों को तेज़ करते रहते मेरा नाम है अकबर बिन तबर खुद डाले अच्छे अच्छों की खबर छह जख्मी पाँच मीटर फिर भी यार खाँ इधर अकबर भी सोटे जा मारे खिलोजे बजगिया मरगा शमशान अकबर भी जिलानी जा मारे वहाँ पानी पानी अब डा चरपटे मियाबई दुल्ले वाले गोलगुंडे के रहने वाले उठानपल्ली फुकट नगर उदासपुरा उदसगली है बतलापुर जेम में पेन कहते हैं कह पे बोलते रहे खाता कहते ट नो कम्प्रोमाज ओनली फाइट सत्रह मटर अठारह की तलाश में घर से निकलते खुद एक मटर घर को जाते एक मटर बीच में अगर मिल जा तो तीन नाट सेवन नो जेल नो बोलीट आई एम ओनली मिनिस्टर लिंक्स मामा

फिर भी दूरदर्शन पे हो ना मामा <laughs> <laughs> तो ये मेरा एक डायलॉग था जो बहुत जनों को पसंद आया मैं अभी जो नॉर्मल वे में बोल रहा हूँ अभी आपको वो फिल्मी स्टाइल में वो इतना स्टाइल वो हाथा उठा के वो कॉलर पीछे रख के वो थोड़ा एकदम थोड़ा स्टाइल से थोड़ा बॉडी को तना के वो आर्टिस्ट जो अपने हिसाब से जो कैमरे के सामने जो परफॉर्म करता वो, वो हाँ। जलवा अलग ही रहता तो मैं वो फर्स्ट प्रेजेंट जो दिया था फर्स्ट इम्प्रेशन द बेस्ट इम्प्रेशन तो वैसा था मेरा

अच्छा पहले मेरा जो इतना लंबा डायलॉग नहीं था फिल्म के जैसा फिल्म में मेरे को हो गया आप रेडी अच्छा तो उसमें मैं ये ये ऐड किया खून खराब है के खानदान से हूँ तो एक एक चीजों को जोड़ा हूँ मैं ये डायलॉग ऐसा नहीं बन गया खाली सा बन गया बोल के नहीं ये एक एक चीजों को जोड़ा बोलते ना ये चीज से वो जोड़ो वो से उससे जोड़ो तो इसको जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के इतना बड़ा करके इसको एक ही सांस में प्रेजेंट किया शायद अगर मैं रुक के बोलता तो उसका मजा नहीं आता था सही बात है पब्लिक को जो पसंद आया आज 48 कंट्री में हमारे मूवीज़ देखते लोग हैदराबादी जो हमारी है, हैदराबादी लोकल मूवीज है बट मगर हमारे मूवीज़ को जो लोग सराय हैं जो पसंद किए हैं वो अमेरिका है लंदन है ऑस्ट्रेलिया है अरब जैसे कि दुबई में हमारे बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं हमारी मूवी के और आपके दुबई के साथ साथ सऊदी अरब कोत ख़तर तो ये अमेरिका में तो हमारी मूवी भी रिलीज़ हुई है, हैदराबाद नवाब सही बात है थिएटर में वहाँ पर भी चली तो ये सब चीज़ें इसलिए है कि हम लोग लोगों को हंसाते हैं बिल्कुल बस पब्लिक को हम हंसाना हमारा जॉब है ये सही बात तो हैदराबादी मूवी बोले तो लोगों को कह रहा था अरे भाई इसमें कॉमेडी रहती है लेकिन एक बात है आ, अकबर बिन तवर साहब जी आपने सिर्फ डायलॉग की अदाई के जरिए शायखन का दिल जीता है जी। लेकिन एक्टिंग का रुझान कब और कैसे आया देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कैसे ही डायलॉग बोला और आपको मैं पहले ही बोला कि मैं बचपन से ही शौक था मेरे को एक्टिंग करने का शेर शायरी बोलने का अच्छा। और <coughs> मैं मेरे को याद है मेरे को मेरे कज़न बोलते हैं मैं कभी भी घर में कोई फंक्शनों में गया तो शादी किसी की कज़न की शादी होती थी तो वो शादी में जाकर मैं दूल्हा हूँ बोलता था अच्छा हाँ मैं दूल्हा हूँ बोल के मतलब एक मेरे में अंदर से पहले से ही था वो चीज़ थी कूट कूट के भरी हुई थी बस गैस थी भाई गैस निकालने वाला होना तो हैदराबाद नवाब मेरी गैस को निकाल दिया अच्छा तो वहाँ से टैलेंट तो था अब उसको इम्प्रूव करें हल्लो 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 जैसे जैसा आदमी काम करते रहता उसको अलग अलग अ, अ, मतलब जो वैराइटीज रहती जैसे कि मैं हर फिल्म में अलग अलग कैरेक्टर करा अच्छा हैदराबाद नवाब में खाली एक डायलॉग था मेरा फिर उसके बाद में मैं पोलिस पुलिस कॉन्स्टेबल का सेकंड मेरा मूवी था एफएम एम और मस्ती उसमें मेरा पुलिस वाले का कैरेक्टर था जो एक कॉमेडियन कॉन्स्टेबल है जो एक सीआई सर्कल इंस्पेक्टर को चढ़ा के काम निकाल लेने के तो वो वैसा एक मेरा उसमें एक अलग अलग कैरेक्टर था बहुत सारे मूवीज़ में मैं अलग अलग कैरेक्टर्स किया डबल रोल किया बहुत सारे किया ऐसा लेकिन एक बात कि जब आप इतने सारे कैरेक्टर्स एक साथ आप निभाते हैं अलग अलग फिल्मों के ज़रिए तो आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सा कैरेक्टर है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो देखिए मैं एक कैरेक्टर मैं शायद मैं समझा कि मैं नहीं कर सकूंगा जी तो मैं उसके बारे में आपको बोलना चाहूंगा कि मेरी एक पिक्चर है जिसका नाम है दिल खुश अच्छा जी ओ तो वो मूवी में मैं एक सेल्समैन रहता हूँ अच्छा और बिल्कुल देखिए मेरे को तो कॉमेडी पंचस बोलना कॉमेडी करना स्क्रिप्ट में देखे तो कहीं भी, भी मतलब कॉमेडी का नहीं दिख रहा मगर लोग को मेरा चेहरा कॉमेडी दिख रहा क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ फेल हो जा रहा हूँ अच्छा मैं एक घर पर जाता हूँ वहाँ पर भी रजट हो जाता हूँ कोई भी एक चीज़ एक सेल्समैन रहता हूँ मैं जी तो कोई एक प्रोडक्ट बेचने गया तो लोग मेरे से ले रहे नहीं अच्छा। उल्टा धुतकार के भी जा, जा रहे चल निकल तो मैं वो कैरेक्टर शायद मैं समझा कि मैं नहीं करूँगा शायद मैं नहीं कर सक पाऊँगा तो डायरेक्टर नहीं मेरे को बोले नहीं आप ये करो बहुत अच्छा कैरेक्टर है आपको सूट होंगे बोल के बोले तो मैं उसकी पहली बार कोई मूवी के लिए मैं प्रैक्टिस करा बोले तो एक थोड़े दिन के लिए एक दो चार दिन के लिए प्रैक्टिस करा बोले तो वो मूवी के लिए कराता क्योंकि वो रोल मेरे लिए एक अलग था और मैं वैसा नहीं हूँ क्योंकि वो उसमें मेरे को ढलना बोले तो मुश्किल हो जाता तो मैं उसमें ढला अच्छा मैं करा वो कैरेक्टर और पब्लिक को पसंद आया नहीं त्यवर साहब देखिए जो आर्टिस्ट होता है जो आप नहीं हैं वही रोल अदा करें तभी तो आप माने जाते हैं बेशक करेक्ट बोले आप मगर मैं मतलब हमेशा कॉमेडी करता था ना भाई डायलाग बोलना कॉमेडी करना बहुत सारे मूवीज मेरे यही है तो बिल्कुल इसमें सीधा साधा कैरेक्टर ऐनक लगा लेके शरीफ बच्चा बिल्कुल एक मासूम चेहरा और मेरा चेहरा तो मासूम ही चाहिए आपको मालूम है बचपन से स्मार्ट हूँ मैं तो बस खाली ऐसा इतना मासूम कैरेक्टर करना बोले तो थोड़ा मैं सोचने में पड़ गया था शायद मैं करूँ या नहीं करूँ मतलब मैं करा उसको निभाया और पब्लिक को वो पसंद आया अच्छा तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं मिलते हैं एक मुख्तर से वक्त के बाद तवर साहब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत दरपेश आती है हर काम में स्ट्रगल तो है ऐसा नहीं है कि बगैर स्ट्रगल के आपको बहुत चीज़ें आसानी से मिल जाती है आज मिल रही है आज मैं समझता हूँ कि देखो मैं आके इंडस्ट्री में फिफ्टीन ईयर्स हो गया इतने मूवीज किया सीरियल्स किया वेब सीरीज़ चल रही ये चल रही एड्स वगैरह ये सब किया अभी भी कर रहा हूँ रनिंग स्टिल चालू है बट आज का जो टाइम है हमारा पंद्रह साल पहले का जो टाइम था उससे पहले के लोगों का टाइम क्या था वो मेरे को नहीं मालूम मगर हमारा भी जो टाइम था हैदराबाद नवाब को मूवी तो मिल गई मिलने के बाद जो स्ट्रगल हमारा जो चला हम पब्लिसिटी करें पब्लिसिटी कैसा करें पोस्टर्स लगाए रोडों पे हमारी पिक्चर आ रही पब्लिक को मालूम होना ऑलरेडी अंग्रेज आ गई थी मगर फिर भी पब्लिसिटी इसलिए करे कि हम लोग पूरा करीब करीब देखिए हम लोग फिरे इसको बता रहा हूँ मैं आपको परभनी नांदेड़ जालना पर पुणे बॉम्बे बेंगलोर रायचूर कर्नाटक पूरा पूरा कर्नाटक पूरा महाराष्ट्र हम लोग जहाँ जहाँ हमारे मूवी देखते हैं पूना में भी हमारी मूवी लगती तो हर जगह हम लोग पोस्टर्स लगाए इसलिए स्ट्रगल करें हम हर जगह जाके बोलना भाई हमारी पिक्चर आ रही हैदराबाद नवाब आप देखो ना आज हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है आज हमारा चेहरा देखे तो लोग पहचान लेते अरे ये फिल्म एक्टर है यारो अरे वो पिक्चर में है नहीं अरे हाँ तो बोलने का मतलब ये है पहले स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है आज स्ट्रगल नहीं है आज आज थोड़ा वीडियो बना लिए एक टैलेंट है अपने पास एक वीडियो बना के किसी को भेज दिए अरे भाई क्या ज़बरदस्त करा भाई बोले तो कल उसको बुला ले रहे ऑडिशन हो जा रहा काम हो जा रहा पहले ऐसा नहीं था पहले बहुत स्ट्रगल थी बहुत मेहनत थी वो टैलेंट देख के लेते थे आजकल गली गली हो गया और हर जगह हो गया मैं जहाँ तक समझता हूँ सही बात है चलिए हम आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कोई और आइटम जो आपको याद आता हो वो ज़रूर हमारे ऑडियंस के लिए सुनाएँ देखिए आइटम्स तो बहुत है जैसे कि लैंग्वेजेस की बात है जी। आ, हम लोग लैंग्वेजेस में भी मूवीज़ करते हैं जैसे कि हमारी एक मूवी आई थी शोले हैदराबादी शोले जो सबको मशहूर फिल्म है शोले हाँ बिल्कुल शोले वर्ल्ड की मशहूर मूवी है इंडिया में तो बहुत फेमस है जिसमें गब्बर सिंह अमजद खान थे तो हम लोग एक प्लान करें कि भाई हैदराबादी शोले बनाएंगे और वो मकबूलियत मिली वो पिक्चर को जी और वो पिक्चर बहुत काफ़ी अच्छी चली यहाँ के हैदराबाद के काफी थिएटरों में बहुत अच्छी चली मूवी तो उसमें मैं गब्बर सिंह था अच्छा तो उसके डायलग्स बिल्कुल अलग थे अच्छा तो वो एक नई चीज़ है एक यूनिक चीज़ है पब्लिक को ये चीज़ इंटरटेनमेंट की है तो उसमें क्या था बोलते तो लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी जी गब्बर सिंह देखिए अगर हैदराबादी गब्बर सिंह रहेगा तो उसने कैच स्टाइल में बात करेगा जी जैसे कि हमारे हमजद खान साहब थे उनके डायलगान थे हाँ कितने आदमी थे सरदार हम तीन वो दो कैसे नॉर्मली बात है मगर हमारी हैदराबादी में क्या रहे कितने तुम कितने लोग आते रहे तुम लोग क्या भी नहीं भाई हम लोग तीन थे वो लोग दो थे मार मार के छीनियाँ कर दिए पूरी पीड़ बैगन में मिला दी उसकी <laughs> अरे नको भाई छोड़ो बैगन क्या बात तुम्हारे ये खाली खेई नहीं गस के खाली डिशा और बोले तो होता है पहले महीने की तनख्वाह निकाल भाई <laughs> ये हैदराबादी स्टाइल हमारा जो है वो पब्लिक को बहुत पसंद आया बसंती इसमें टांगे वाली थी उसमें हाँ। हमारे पास मिर्चियाँ तलने वाली थी गाँव में मिर्चियाँ तलती थी बसंती उसके अच्छा। उसके धमिंदर अलग थे अच्छा। उसके अमिताभ बच्चन अलग थे उनके पास सिक्का था इनके पास नोट थी एक रुपए की अच्छा। <laughs> तो अलग अलग सिस्टम थे इसमें और ठाकुर का भी रोल अलग था इसमें ठाकुर के पैर कटे हुए थे उसमें हाथा थे ना चीज इसमें पैसा कटे हुए थे और बेचारे रामू काका इसमें कोर्ट पॉइंट पे थे अच्छा तो बहुत सारे डिफरेंट चीज़ा थे तो एक्चुअली लैंग्वेज की जो बात बोल रहा हूँ मैं आपको जी तो हम मैं तेलुगू पिक्चर्स भी करा जी जी बिल्कुल जैसे कि मेरी एक पिक्चर थी तेलुगु में बहुत हिट हुई और बहुत अच्छी मूवी मैं तेलुगु में एक्चुअली छोटे छोटे कैरेक्टर्स के लिए तो मेरे को बहुत ऑफर्स आए मगर मैं नहीं करा क्योंकि मैं एक ही पिक्चर करा था बहुत बड़ी फिल्म करा था उसके बाद बैक टू फिर मैं हैदराबादी मूवीज़ ही करा क्योंकि बिकॉज मेरे जो फ्रेंड थे कृष्णा वंशी जो डायरेक्टर है वो बहुत अच्छे हमारे दोस्त थे तो उन्होंने मेरे को ये कैरेक्टर तुम कर सकते और ये कैरेक्टर तुम ही करना बोल के मेरे को बोले वो, 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 वो हीरो का नाम था नानी जो आज ईगा होगा बहुत सारे मूवीज़ हैं उनके बहुत पॉपुलर एक्टर है नानी तो मैं नानी इक्वल टू मेरा कैरेक्टर था उसमें ऑलमोस्ट फिफ्टी फाइव डेज काम किया मैं उसमें जी हमारी शूटिंग थी दुबई और मलेशिया में भी थी तो उसमें मैं काम किया था मेरे को बहुत मज़ा आया था एक अदर लैंग्वेज बिल्कुल एक अदर लैंग्वेज में काम किया था तेलुगु में और मेरी ओन डबिंग थी एक्चुअली हम तो ते, तेलुगु से वाबस्ता नहीं है तेलुगु हमारे को ज़्यादा आती नहीं क्योंकि बिकॉज हमारी फोर फादर्स इन हैदराबाद हम लोग हैदराबाद में रहने वाले और हम लोग एक बिल्कुल समाज जो हमारा है वो उर्दू बात करने वाले और हमारे जो हिंदू भाई है वो भी हमारे से उर्दू में बात करने वाले अरे सलामिकम्म अकबर भाई अरे कहाँ यारो अरे आओ यार वड़े भाई कहाँ तो भी अब तो कहाँ से तेलुगु बात करूँ मैं माहौल मिलना उसके लिए माहौल मिलना पड़ता अब मैं करीमनगर का रहता हूँ निज़ामबाद का रहता हूँ महबूब नगर का रहता हूँ जड़चला का रहता हूँ यहाँ का रहता हूँ शमशाबाद का रहता हूँ तो कम से कम मेरे को तेलुगु आ जाती है मोइनाबाद का भी रहता तो तेलुगु आ जाती थी मैं रहता हूँ बिल्कुल गुलकुंडा किला तो वहाँ पर प्योर उर्दू चलने वाली तो तेलुगु लैंग्वेज का प्रॉब्लम था फिर भी मैं तेलुगु कोशिश करके आर्टिस्ट को कोशिश करना पड़ता अंदर का कीड़े को जगाना पड़ता उसको परफ्यूम मारना पड़ता नहीं तो फिर काम नहीं कर सकता हाँ मुश्किल है जी तो मैं तेलुगु सीखा सीख के मैं अपनी ओन डबिंग करा उसमें पैसा में तो पैसा जो रोल आपको मिला मुस्लिम कैरेक्टर था कैरेक्टर था तो वो जो एक्सपीरियंस रहा जी वो किस तरह हमारे ऑडियंस को बताइए मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं पहली बार मैं काम किया तेलुगु पिक्चर में 55 डेज काम करना और अच्छी बात तो क्या थी मैं आज तेलुगु इंडस्ट्री वालों के लिए बात बोलना चाहूँगा अगर इस चैनल के ज़रिए अगर वो लोग देखेंगे तो ये बात सुनेंगे ज़रूर मेरे को याद है कि बिकॉज मैं मुस्लिम हूँ और रमज़ान था अच्छा मेरी शूटिंग चल रही थी रमज़ान में मैं फास्टिंग रोजा तो रहना ही है कैसा भी किसी भी कीमत पे तो सिक्स ट्वेंटी को रोजा अपन ओपन करते हैं तो शूटिंग का स्नैक्स टाइम होता अच्छा। सिक्स को दे देते हैं क्योंकि हमारी शूटिंग जो रहती थी नौ बजे तक रहती अच्छा। थी तो नौ बजे तक रहने की वजह से सिक्स को स्नैक्स का टाइम देते थे जी। तो मेरे लिए कृष्णवंशी साहब तेलुगु इंडस्ट्री को सलाम है बोले नहीं तबर रोज़ा है आ, एक काम करेंगे ट्वेंटी मिनट्स अपन एक्स्ट्रा कर देंगे सिक्स ट्वेंटी को रखो स्नैक्स पूरे एक साथ करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है ये बहुत एक अच्छी बात है ये एक, एक बहुत बड़ी है, ये अपनाइत की बात है यह लोग के है। दिमाग में अलग अलग चीज़ें चलते मगर नहीं है मेरे दोस्त ऐसा हम दिलों को साफ रखना चाहिए तो मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वो तो मैं बहुत खुश हुआ वो चीज़ को देख के बोले नहीं सिक्स ट्वेंटी को करेंगे उन्हें रोजा है उसके साथ ही चपन स्नैक्स करेंगे तो एवरी डे मेरे को वंशी साहब पूछते थे क्या है आज भी रोज़ा है क्या और साहब पूरे हम ठर्टी रहते ओहो बहुत अच्छा है तबर बहुत अच्छा है तो इसलिए मेरे बोलने का मतलब एक्सपीरियंस मेरे को ये अच्छा रहा और उन लोगों का काम भी बहुत अच्छा काम रहता और नानी जो हमारे दोस्त है वो भी हमारे अच्छी दोस्ती हो गई एक्टर जो हीरो थे बहुत अच्छे कलाकार है वो भी आज इज़ वेरी पॉपुलर बहुत, सही बहुत अच्छे है अच्छा तो आपका रोल क्या रहा इसमें इसमें मैं टैक्सी ड्राइवर रहता तो हूँ जो नानी का दोस्त रहता हूँ बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ उनका, तो ये पिक्चर का नाम ही पैसा है और ये पिक्चर है पैसे पे अच्छा तो अच्छा पैसे पे है तो पैसे पे इसलिए है मामली सी एक पचास हजार की एक पतंग बनाते जिसको हजार हजार के नोटा रहते तो वो पतंग पिलाग के पीछे उन्हें जंक्शन पे चढ़ गया था अपनी मौत को नहीं सोचता उन्हें लाइट ले लेता उसको पहले पैसा चाहिए पचास हजार के लिए तो उसको पचास करोड़ मिले तो क्या होगा बोला क्या बात अच्छा जब आपने फिल्म पैसा की तो कोई डायलॉग जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हों या आपको जो पसंद आए हैं वो डायलॉग हमारे ऑडियंस को जरूर जी तो उसमें के डायलॉग्स क्या है वो तो अलग अलग थे क्योंकि मैं तेलुगु बोलते हुए करा था उन्हें मेरे को शेरवानी पहन के रहता हीरो क्योंकि उन्हें मॉडल रहता हीरो जी हीरो एक, एक शेरवानी की एक दुकान रहती उसके एक मॉडल रहते हैं तो मेरे को मैं कमा के लाए तो खाने का रहता उन को अच्छा वैसा रहता खिस्तान पचास लाख रुपए मिल जाते पचास करोड़ रुपये मिल जाते भाई और मेरे को गिनती सिखाता गिनती नहीं आती अच्छा पचास करोड़ कितने मेरे को नहीं मालूम मेरे को गिनती खाली कहां तकती है बोले तो सिर्फ मेरे को दस लाख रुपये तक ही मालूम रहता अच्छा अपन उतना ही मालूम रहता <laughs> तो शेरवानी देख के मेरे को बोलता अरे मैं कैसा दिख रहा हूँ बोल वो तेलुगु में बोलते है तो मैं उसको एक डायलॉग मेरे को याद आ रहा वो शेरवानी शूज और शेरवानी पहनकर रहता एकदम तो मेरी तेलुगु में टिपिकल थी तो कृष्णवंशी साहब बोलते थे तुम तेलुगु बोले तो मेरे को हंसी आती बोलते थे <laughs> अच्छा। तो मैं बोलता था वकटी कलर का दूरा पहन उन्ी कि वर्क किराकुंदी रहा सुपर मामा तो एक अलग स्टाइल था वो तेलुगु का <laughs> अच्छा। तो उसमें आंद्रा के नामा भी मैं उसमें बोला था अच्छा अरे वो आंध्रा में किधर गया रहे बोले तो अरे मैं कहंगे आप पूरा आंध्रा सो ईस्ट गोदावरी वेस्ट गोदावरी पूरा सो विजयवाड़ा एल्लूर तंगलमुड़ी दुबीचल्ला चेपरो पालकोल तनकू भीमारखीवड़ी कलडंडी अलकापुर मलकापुर नाकू मुत्तम तेलसरा अच्छा <laughs> तेलुगु एक अलग ही टिपिकल तेलुगु भाई हमारी अच्छा। हमारी तेलुगु अलग रहती है हमारे भी दोस्त बहुत है हाँ नमस्ते ना हाँ नमस्ते भागुना हाँ भागुना ना अरे ये भाई <laughs> तो हमारी तेलुगु अलग है वो आंध्रा की तेलुगु अलग है ये एंटेंदे बाना भाना रामा रहा <laughs> अलग ही रहता हूँ खींच खींच के बात करते गाना कैसा करता हूँ अच्छा ये एंटेंदे <laughs> तो वो अलग रहती सही तो बात है तो उसमें तेलुगु के डायलगस बहुत सारे थे वो अगर आप मूवी देखेंगे तो बहुत मजा आएगा उसमें मैं क्योंकि मेरी ओन डबिंग है और मैं बोला ना बहुत सारी प्रैक्टिस करके मैं डायलॉग बोला और उसमें मेरे वोट लगा हैं अच्छा वोट लगा है और मैं बहुत अच्छे अंदाज़ में बोला उसमें प्रैक्टिस करके बहुत अलग तरीके से करा क्या बात है तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं मिलते हैं एक मुख्तर से वक्फ़ की बात ब्रेक से पहले हमने जाना आपकी फ़िल्मों के मतलब आपने हैदराबाद के अलावा तेलुगु की बहुत बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया अब ये बताइए कि बॉलीवुड में भी आपने काम किया है बॉलीवुड की फिल्म में वो एक्सपीरियंस कब कैसा रहा बॉलीवुड की जो मूवी थी एक्चुअली इसकी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है ज़्यादा लंबी ना लेते हुए एक शॉर्ट में बोल दूँगा जी फिल्म यशराज बैनर था ये जो हैदराबाद में बेसिक हैदराबाद की शूटिंग थी उसमें एक पार्ट हैदराबाद का था एक पार्ट लखनऊ का था फिल्म का नाम था दावत इश्क अच्छा जो बिल्कुल एक वेरी फेमस हीरो आदित्य राय कपूर जो आशिकी टू का जो टू गाना का? हुआ था तो वो हीरो थे उसमें परनीति चोपड़ा हीरोइन थी तो अनुपम किर वग़ैरह बहुत सारे आर्टिस्ट थे उसमें तो हैदराबाद में फोर हंड्रेड हुए अच्छा वो कैरेक्टर के लिए जो मैं कैरेक्टर करा था तो जो इसके जो डायरेक्टर थे हबीब फैसल जी तो हबीब फैसल जो डायरेक्टर थे तो उन्होंने क्या बोले कि भाई मुझे कुछ ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो बिल्कुल ये कैसा हैदराबादी आर्टिस्ट होना मेरे को जो ऑटो चलाने वाला होना मास एकदम अलग मास रहना एकदम तो उनको बाद में पता चला और हैदराबादी फिल्मों के बारे में उनको मालूम हुआ बहुत सारे लोग ऑडिशन ले लिए काफ़ी लोगों को ऑडिशन लिए मैं तो हम लोग ऑडिशन पर कभी जाते नहीं और हमारे को क्या है बोले तो मूवीज़ देख के हमारे को कोई मैनेजर से बात कर लेते हमारे मैनेजर से है वो लोग उनसे बात कर लेते हमारा कैरेक्टर है बोलते तो, हम जाते अपना कैरेक्टर कर लेके आते ऑडिशन के लिए हम लोग कभी भी गए नहीं जी। जैसे कि जितने हमारे सलीम फेकू अजीज़ नासिर अकबर बिन तवर गुल्लू दादा आर्टिस्ट जो है तो मेरे को फोन आया एक बार कि भाई ऐसा अकबर बिन तवर बोल रहे हैं मल्ला जी हम आपके मैनेजर से नंबर लिए हमको ख़ुद तो आपसे डायरेक्टर साहब बात करना चाह रहे मैं बोला भाई कौन बात कर रहे हैं आप नहीं हम लोग यशराज बैनर से बात कर रहे हैं बोले हबीब फैसल साहब आपसे बात करना चाह रहे तो मैं बात करा तो उन्होंने बोले वो इशकजादे पिक्चर बने थे तो मैं बोला सर मैं आपसे आके मैं मिलूँगा मैं जाके मिला करा तो उन्होंने मेरे को बताया ऐसा मैं आपका कैरेक्टर देखा फिल्म बेरोजगार से मेरी जो हैदराबादी मूवी थी उसमें आप जो कैरेक्टर करें वैसे ही गेटअप होना चाहिए मेरे को और आप वैसे ही काम करना चाहिए तो मैं पहली फिल्म बॉलीवुड की यशराज बैनर में काम किया बहुत मज़ा आया बहुत अच्छा लगा वो लोग का भी यूनिट वगैरह उन लोग के काम का अंदाज़ उन लोग के काम का ढंग बिल्कुल अलग है और बहुत अच्छा काम हुआ अलहमदिल्ला मैं वो भी काम अच्छा ज़बरदस्त करा लेकिन तबर आ, हम जो देखते हैं हैदराबादी आर्टिस्टों को लेकर बॉलीवुड में फिल्में नहीं बनती क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह महमूद साहब ने या जॉनी लीवर साहब ने कुछ फिल्मों में, में और बहुत सारे नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि दकनी का जो स्लैंग है उस पर बहुत सारे लोग हंसते हैं और इवन देखिए जिस तरह मुंबई महाराष्ट्र में भी हमारी फिल्में चलती हैं लेकिन हमारे आर्टिस्टों को कास्ट क्यों नहीं किया जाता इसकी वजह क्या है देखिए मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ हमारे आर के मामा जो है हैदराबाद नवाब के टाइम में जब रिलीजिंग के लिए बॉम्बे में रिलीज़ करने के लिए देखिए हमारी फिल्म अमेरिका में रिलीज़ हुई बोला मैं आपको जी बिल्कुल मगर बॉम्बे में रिलीज़ नहीं हुई पुणे में रिलीज़ हुई मगर बॉम्बे के थिएटर में नहीं हुई वजह उसकी बिकॉज ओनली लैंग्वेज तो हम मामा महेश भट्ट से लेके हर डायरेक्टर से मिले बड़ बड़े बड़े प्रोडक्शन से मिले जयंती लाल गाड़ा से मिले सबसे मिले मगर रिलीज़ नहीं हुई तो बोलने का मतलब ये है बॉम्बे की लैंग्वेज में हैदराबाद की लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का तो फ़र्क नहीं है मगर फ़र्क है अच्छा वो लोग हमारी उर्दू को जल्दी नहीं समझ सकते कैच नहीं कर सकते जैसे कि लखनऊ की जैसी लैंग्वेज है वो उसको बॉम्बे वाले कैच नहीं कर सकते फिर भी यूपी वाले कैच कर ले सकते बॉम्बे वाले कैच नहीं कर सकते बॉम्बे में एक अलग लैंग्वेज है ये क्या बोल ला रहे ए भाई आने का ए भाई बैठने का ये छोड़ना भाई अरे चिंता छोड़ना भाई का ही को भाव खा लेला यार वो एक अलग लैंग्वेज है हमारे पास क्या है कहाँ है यारो बैगन की मेरी आवना उस्ताद दो चाय मंगाता तो। हूँ पाशा एक दो चाय ला लो <laughs> भाई का जरा पान भी ला लो और क्या उस्ताद बीव बच्चे सब खरीदियत घर में क्या चल रहा अरे मैं पर्सन सुना तुम्हारी कासिम <laughs> भाई लोगों की लड़ाई हुई करते हाओ भाई लड़ाई हुई तुम्हारे भौने रख दिए कहते बोल के हाओ भाई दाँत टूट गया थ्री नॉट सेवन भुखो गया तो ये हैदराबादी लैंग्वेज है उन्हें वहाँ पर नहीं बोलता वहाँ की लैंग्वेज अलग ही चे क्या वीड़ू बहुत ही चल रहा है तेरा हाँ निकाल खाली करूं <laughs> है है भाई। तो languages के खाली तो करूंगा नहीं मेरा मतलब ये था कि देखिए हमारी जो हैं वो कॉमेडी के लिए जानी जाती है जी। तो सिर्फ फिल्में देखते हैं बॉलीवुड के एक्टर हो या मुंबई के महाराष्ट्र के जितने भी जैसा औरंगाबाद या फिर जालना या फिर बॉम्बे में हर घर में हमारी हाँ फिल्म एक्टर्स के पास भी हमारी सीटी है हाँ। चैलेंज के साथ ये बात ये पॉइंट आप बहुत अच्छा पूछे ये देखिए एक्चुअली यशराज में मैं एक फिल्म करा उसके बाद फिर मेरे को मौका नहीं मिला उसके बाद फिर मौका नहीं मिला क्योंकि वो क्या है आज तक उसकी वजह नहीं मालूम हुई उसका सवाल का जवाब कोई दे रहा ही नहीं इसका क्योंकि बुलावा इस नहीं आ रहा वहाँ से नहीं बुलावा तो अलग बात है देखिए लेकिन जो है या तो मैं समझता हूँ कि वहां पर राइटर्स हैदराबादी कॉमेडी को लिखते नहीं हैं जैसा करण अर्जुन आपने देखी होगी कि जॉनी लेवर ने हैदराबादी हैदराबादी है। है स्टाइल में वो स्लैंग किया और काफी हिट भी मैं रहा। समझता हूँ वो जॉनी लेवर का खुद का प्रिपरेशन है वो मतलब उनका क्रिएशन था हंड्रेड परसेंट क्योंकि वो राइटर की बात नहीं हो क्योंकि वो जो डायलैक्ट्स थे वो जो हैदराबादी जायका वो देखो पूरी पिक्चर एक तरफ जानी लीवर साहब का कैरेक्टर एक तरफ शाहरुख खान के साथ ही छे उन दोनों भी एक ही जगह है दोनों भी घोड़े के तबेले में हुए मगर लैंग्वेज जानी लीवर की पूरी हैदराबादी है तो और वो बिल्कुल अच्छी है हैदराबादी बोले न जो हैदराबादी जो स्टाइल में बोली जाती अब जानी लीवर साहब तो आंध्रा के ही है ना साहब आंध्रा प्रदेश के हैं और हैदराबाद में उनके काफ़ी तल्लुत है और उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर काम किए हैदराबाद के लोगों के साथ में तो नहीं जब जॉनी साहब का जिक्र तो तो हाँ। तो तो क्या यार तुम तो फाड़ दिए यार दीदी ओद निकाल लेते ना फाड़ दिए बोले ऐसा कैरेक्टर यार तुम लोग क्या है मैं बोला भाई खाली हम लोग क्या है बोले तो क्या बोला वहाँ क्या है फिर सही है वहां से क्यों नहीं आ रहा है चिट्ठी बोला हाँ यार वो क्या है मतलब आप बोले जैसा राइटर नहीं है यार वहाँ कोई करने के लिए तो हैदराबादी एक इंडस्ट्री के लोगों को भी बॉलीवुड में काम का मौका मिलना चाहिए बिल्कुल जैसे कि कपिल शर्मा का आज शो चल रहा तो कपिल शर्मा के शो में भी एक हैदराबादी एक चटपटा डालना चाहिए मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं पब्लिक को देखो कपिल शर्मा साहब बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं लोग उनको पसंद करते हैं आज पूरे वर्ल्ड लेवल पे पसंद करते हैं बिकॉज हम भी पसंद करते हैं उनको अच्छी टाइमिंग है उनकी अच्छी कॉमेडी करते हैं मैं भी स्टेज कॉमेडी करता हूँ आपको मालूम है स्टेज परफॉर्मेंस बहुत सारे कंट्रीज में करें हम सऊदी अरब में करें दुबई में करें खतर में करें बहुत सारे कंट्रीज में करें मैं तो आपके साथ भी काम करा बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत सारे हम तो कंट्रीज में करें और इंडिया में भी करें बहुत सारे जगह करें कर्नाटक में हमारे ज़्यादा फैंस है तो हम वहाँ भी करें सो है मगर मैं क्या चाह रहा हूँ कि हैदराबादी जो लैंग्वेज है वो मीठी जबान है वो लैंग्वेज को बहुत पसंद करने वाले लोग हैं हैंकुम कहाँ हैं आना था ज़रा अरे रायंदो पाशा क्या बातें कर रहे हो बैठो खाना वाना खाए नहीं खाए क्या वा हो तो ये एक मीठी जबान है हमारी बहुत लोग पसंद करते इसको तो ये जैसे कि आज भोजपुरी है भोजपुरी इंडस्ट्री को आज एक बड़ बड़ा प्लेटफॉर्म मिले हुआ है उसका एक मुकाम बने हुआ है आपने भोजपुरी फिल्म भी की है किया है माशाल्लाह। जय और वीर हाँ मेरे से कोई लैंग्वेज <laughs> मैं तो सुमाली भी अगर है तो कर लूंगा चाइना अच्छा। भी अगर मेरी तो कर लूंगा चमा यमा चुपापाईमा अमा चुमा क्या बोले बोले तो आप को नहीं मालूम बोलना <laughs> चाइना में जाके देख लो बोलना <laughs> और चाइना की फिल्म ज्यादा नहीं चल सकती चाइना की है ना <laughs> <laughs> तीन दिन चल रही कहते अरे क्या भाई तीन दिन में पिक्चर उखड़ गई बोलते चाइना की है ना बोलना <laughs> गारंटी दे <नहीं> रहती <थी> बोलना <laughs> सही है अच्छा अकबर बिन तवर साहब जब आपने परफॉर्मेंस का जिक्र किया तो यहाँ पर आप थोड़ा खींचे खींचे नजर आते हैं मैं चाहता हूँ कि एक आइटम जरूर सुनाए देखिए आइटम का है बिल्कुल आप सुना दीजिए जी तो वो शोले का जो जिक्र आपने किया शोले की जो जिक्र है ये कर्नाटक में अगर ये फिल्म बनती अगर कर्नाटक में कर बनती अगर बैंगलुरी लैंग्वेज में अगर गब्बर सिंह अगर बात करेगा तो कैसा करेगा सांबा कैसा करेगा कालिया कैसा करेगा बसंती कैसा करेंगी ठाकुर कैसा करेगा किस स्टाइल में बात करेंगे वहां की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है आ को जा को खा को बैठ को पी को अलग ही रहता वो तो गब्बर सिंह साहब पूछेंगे क्या रे बा कितने लोग सच बता तेरी अम्मा की कसम क्या बिजल सरकार हम लगा तीन वो लगा दो मार मार को कालिया भेगी पूरी पीठ बैगन मिला को छोड़ दिए सो हम्म तुम्हें ऊँ न करो जी क्या करती सो खाने खाना नहीं पीने को पीना नहीं दुनिया की मुसीबत को जिंदगी गुजार रही सो वो ला को क्या बोला उन्हें मालूम नाच बस नाच को दुनिया को उसको नचाए के पैरों में दर्द कर दी हां, उसको करोना को छुटा के थे क्या कर रही जी करो उन्हें आके क्या बोला मैं खून पीतू बोल के बोल रहा उन्हें कुत्ते कुत्ते बोल बोलकर बोला तुम्हारे को अभी भी अखल नहीं आ रही तुम्हारे को और क्या बोलते तुम दूर दूर पचास मिल पे जब बच्चा रोता तो बच्चे को बोलती अम्मा बेटा सोजा सोझा नहीं तो गब्बर सिंह आंगा नक्को खुदा के वास्ते न खो जाओ वो बच्चा भी मरता वो अम्मा भी मर जाती तुम्हारी बदबू से चालेज से हाँको नहीं है तुम दांत देखो तुम्हारे कैसे है ये लैंग्वेज तो बैंगलुरु लैंग्वेज सही है सही बिल्कुल अलग बैंगलुरु क्या यजमान कैसे तुम्हें खाना पीना खाई नहीं खाई हाँ दो लाजा छोड़ को आ रही लो थेरू बा आ तू क्या हुआ कहाँ जा रही सो वो बिल्कुल एक अलग टिपिकल लैंग्वेज सही है तो ये लैंग्वेजेस चलने वाली लैंग्वेजेस है तो हम लोग एक नए नए आइटम्स को तैयार करते नए नए चीज़ों को प्रेजेंट करना नए चीज़ों को बोलना पब्लिक को नया एंटरटेनमेंट देना देखिए आजकल क्या है मैं जहाँ तक समझता हूँ सोशल मीडिया की तरफ से आज हर घर तक टैलेंट चलेगा जैसे बीच में टिकटॉक आया था आपको मालूम है आज बंद हो गया अब टिकटॉक खत्म हुआ तो दूसरा रास्ता निकलता एक रास्ता बंद तो दूसरा रास्ता चालू होता नीचे से अगर बनोगा तो ऊपर से ब्रिज डाल देते हैं यहाँ पे वो बनता ही, ही बनता तो वो टिकटॉक खत्म होने के बाद में एक दूसरा ऐप चालू हुआ जिसका नाम है रिलीज रील अब उस पर चल रहा अच्छा अब आपने सोशल मीडिया का जो जिक्र किया है सोशल मीडिया आने से हमारी इंडस्ट्री को फायदा हुआ है या नुकसान देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ मूवी टोटल डिफरेंट है लॉस हुआ फ़ायदा हुआ हम नहीं बोल सकते ये टिकटॉक का जो है वो एक सेकंड्स के गाने हैं उसे बना लिए तुम पर हम है अटके यारा दिल बीमारे झटके हो क्योंकि तुम हो हटके उतने खुश होगा उन्हें ख़त्म किस्सा अब उसमें उन्हें एक्टर बन गया समझ रहा नहीं होता भाई बहुत पापड़ा बेलने का है अम्मा 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 क्या लगा के बैठे तो ऐसा नहीं है फिल्म को टिकटॉक से अपन उसको कंपेयर नहीं कर सकते बॉलीवुड में आज भी सलमान खान की आज फिल्म कल चल कल डाल दो आप हाउसफुल है तो बॉलीवुड नहीं रुकती इंडस्ट्री कभी नहीं रुकती इंडस्ट्री का जो दबाव है वो बराबर है तेलुगु हो चाहे वो भोजपुरी हो चाहे वो हमारी हैदराबादी हो चाहे वो बॉलीवुड हो तो, चाहे वो और मूवी हो कौन सी भी मूवी रहें दो मूवीज़ की जो कन्नाडा मूवी है तो वो नहीं रुकता काम नहीं रुकता वो सब चलते रहता हूँ नहीं लेकिन एक बात यह है धवर साहब के सोशल मीडिया आने से नया टैलेंट उभर के आया है उभर के आया उभर मगर मैं समझ सो नया टैलेंट उभर के आने के बावजूद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हाँ अलबत् एक चीज़ की मैं बात करूँगा आपको यूट्यूब जैसा स्टार्ट हुआ यूट्यूब के ज़रिए जो लोग देख रहे हैं वो जैसे कि आज वेब सीरीज़ चल रही है नेटफ्लिक्स की चल रही है अमेजोन प्राइम की चल रही है उससे थोड़े मूवीज़ को छोटा झटका पड़ा ये बात आपकी दुरुस्त है उससे छोड़ा छोटा सा झटका पड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं फिर भी मगर पब्लिक को मूवी का एक अलग ही जायका है मूवी बोले तो खाली बस उन्हें दो घंटे अगर घर में थिएटर में जा रहा बोले तो बस उसका दिमाग सीधा वहींच रहता उन्हें बस स्क्रीन पर लगे हुआ रहता इसके बाद क्या होता कि तो वो अलग है अब ये YouTube का पॉज करके हाँ हलो फिल्म देख रहा था <laughs> आ, तो वो अलग है तो YouTube आने के बाद में थोड़ा सा हर इंडस्ट्री को झटका पड़ा सही बात है बहरहाल आपसे बहुत सारी बातें आ, की जा सकती है लेकिन वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बहुत सारी बातें और हम करें लेकिन चलते चलते हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे इन दिनों कोविड नाइन्टीन की वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर किए जा सकते हैं आपके प्रस्तारों के लिए आपके शायक के लिए ऑडियंस के लिए क्या प्रिकॉशन मैं नाजरन से यही बोलना चाहूँगा कि ये बीमारी छोटी बीमारी नहीं है क्योंकि मैं उसे वाबस्ता हूँ और ऑलरेडी मेरे को हुआ तो सो है मैं बहुत सीरियस था बहुत क्रिटिकल सीन में था जो सारी दुनिया मेरे लिए दुआ करी आ, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ी सी फिक्र करिए अभी ये ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया बोल के तो बोल रही मगर मैं जहाँ तक समझता हूँ अभी ख़त्म नहीं हुआ अभी भी थोड़ा है तो आप थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए थोड़ा अपने हाथ को घर से घर को जब भी आप बाहर से आ रहे हैं अपने हाथों को अच्छी तरह धोइए अपने कपड़ों को निकालिए गर्म पानी में रखिए हिफाजत करिए अपनी फैमिली के बारे में अगर आप सोचेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे आप अपना अगर एक अकेले नहीं हैं आपके पीछे आपकी फैमिली है छोटे बच्चे हैं माँ बाप है सबको देख के चलना पड़ता तो आप लोग इतना ही बोलूँगा कि बस फिक्र करिए और अपने आप को सैकड़ रखिए अगर किसी के लिए भी अगर सुने कि भाई फ़लाना कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है या कोई पड़ोसी है वो बीमार है हॉस्पिटलाइज है तो आप उसके लिए चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो सिख हो या ईसाई हो कोई भी हो कोई भी इन्नी कास्ट दो हाथ उठाइए रब से दुआ करिए बस कि ये बोलिए कि अल्लाह उसकी हिफाजत करे बेशक बस मैं तो सबको यही बोलूँगा कि आप अपने आप को सिक्य रखिए और बस हाथ धोते रहिए और लोगों से हाथ कम मिलाइए बेशक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना वक्त दिया तो नाजरीन आदाब हैदराबाद में आज के लिए इतना ही एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी आदाब हैदराबाद में आप अपने दोस्त और होस्ट के भी जानी को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़